-3 डिग्री है और हवा भी चल रही है अच्छी खासी। एक्सपीरियंस बहुत बेकार था, फ्लाइट इतनी बेकार थी। एक तो इतना वो ATR था शायद, वो जो एयरक्राफ्ट था इतना छोटा सा था और उसमें सीटें ही सीटें भर रखी है। लेग रूम नहीं, मेरे तो घुटने में लग गए उल्टा। तो भाई क्या हाल है आपके? आई होप सब भाई बढ़िया होंगे। तो भाई मैं भी बढ़िया। तो यहाँ पे बारिश हो रही है कल रात से ही, रुकी नहीं रही है। 2 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। तो अब मैं जा रहा हूँ, वैसे तो मैं सोचा था सिटी सेंटर चले जाऊँगा क्योंकि मेरी फ्लाइट है यहाँ से मॉस्को तक की, कि भाई मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। पहले सिटी सेंटर घूम लूँगा, खा पी लूँगा, फिर एयरपोर्ट चला जाऊँगा टैक्सी बुक करके। लेकिन लग नहीं रहा मेरे को ऐसा हो पाएगा क्योंकि बारिश हो रही है। तो बार बार टैक्सी कौन करेगा, पहले सिटी सेंटर फिर वहाँ से वहाँ। तो इससे बेटर है कि मैं एक ही टैक्सी कर रहा हूँ, एयरपोर्ट चले जाऊँगा, वहीं कुछ खा पी लूँगा हल्का फुल्का, और भाई थोड़ा वेट कर लूँगा 2-3 घंटे वहीं पे। शाम की फ्लाइट है, अभी 12:15 हो रहा है। तो इन्होंने भाई 12 बजे बोल दिया था चेकआउट करने के लिए। अब मैंने बोला था इनको कि मैं अंदर वेट कर लूँ क्या, तो ये उसके लिए भी मना कर रहे हैं कि भाई अंदर भी वेट नहीं कर सकते आप। तो अब चलो कोई बात ही, वेट नहीं कर सकते। टैक्सी आ गई है तो मैं जाता हूँ, तो वहाँ पर बताता हूँ आपको। तो भाई वो पहुँच गया मैं मुरमांस एयरपोर्ट, पीछे देख सकते हो। और भाई -3 डिग्री हो रहा है, रात से बारिश हो रही है तो भाई टेम्परेचर यहाँ पे घटता जा रहा है। तो इस वक्त हो रहा है -3 डिग्री। और भाई गाड़ियों में देख सकते हो अभी रास्ते में भी, अगर जैसे कि मैंने आपको क्लिप वगैरह आप देखोगे इस वीडियो में, तो उसमें भी बर्फ़ दिख रही होगी। भाई रास्ते में बर्फ़ पड़ रखी है, बताओ। वैसे मैंने कभी आज तक जीवन में अपने बर्फ़ नहीं देखी थी, पर आज देख ले तो कैसी होती है। अरे तो बहुत सॉफ्ट है यार, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है बर्फ। भाई बहुत ठंड हो रही है। अरे यार ये सही है कि मेरे को बर्फ़ देखने को मिल रही है, क्योंकि मैंने कभी बर्फ़ देखी नहीं लाइफ में, कभी मनाली वगैरह गया ही नहीं। चलो यहाँ पे आना ये तो सफल हुआ, कम से कम बर्फ़ देखने को तो मिल गई। पर भाई गर्मियों में भाई यहाँ लोग कैसे जीते हैं समझ में नहीं आ रहा। ये देखो इस गाड़ी में कितनी बर्फ़ जम रखी है, ये देखो इस रूबीकॉन में भी कितनी बर्फ जमी हुई है। भाई नज़ारा दिखाऊं तो ऐसा कुछ नज़ारा है, -3 डिग्री है और हवा भी चल रही है अच्छी खासी। चलो यार यहाँ पे जमना नहीं है, मैं तो अंदर जा रहा हूँ, फ्लाइट पकड़ के चलते हैं। अभी वैसे कई घंटे हैं लेकिन चेक इन वगैरह कर लेते हैं। ऐसे लग नहीं रहा भीड़ भाड़ एयरपोर्ट पर होगी, पर देखो अंदर जाके पता लगेगा। भाई उतर गए हैं, एयरपोर्ट से निकल भी गए हैं। ये एक्सप्रेस ट्रेन है जो मॉस्को जाती है, 500 रुपये इसका किराया है मतलब टिकट, और अगर टैक्सी से जाता तो 1500 लग रहे थे। तो भाई 1000 क्यों देना, 500 रुपये में चलते हैं अपन, फालतू का पैसा थोड़ी है। 1 घंटा ये लगाएगी, टैक्सी से भी 1 घंटा लगता, तो भाई बेटर है ट्रेन से चलते, बैठ के जाएँगे बाकायदा, खड़े होके नहीं जाना। चलो जो बाकी की डिटेल्स थी फ्लाइट की वो मैं आपको पहुँच के बताऊँगा, आप क्या हुआ कैसे नहीं, कैसी फ्लाइट थी। भाई ऐसी दिखती है ट्रेन, ऐसी सीट्स हैं। कोई सीट नंबर नहीं होता, कहीं पे भी बैठ जाओ जहाँ मन करे। लो भाई यहाँ उतार दिया है ट्रेन ने, शायद इसके आगे जाती भी नहीं है, बाकी पता नहीं अभी मेरे को। अभी बाहर निकल रहा हूँ मैं, बस हॉस्टल जाते हैं। यहाँ से 15-16 मिनट लगेंगे हॉस्टल जाने में, आधा 1 किलोमीटर दूर है बस, ज़्यादा नहीं है। देखो भैया ऐसा कुछ नज़ारा है मॉस्को का इस वक्त,
ये कोई पार्क वगैरह है, पता नहीं क्या है, पर बड़ा अच्छा सा लग रहा है। लाइट से वो कुछ बना तो रखा है। यहाँ से हॉस्टल पास में ही है, तो अभी आके देखेंगे, बाद में नहीं तो कल देखेंगे। वैसे स्ट्रीट्स अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ सेंट पीटर्सबर्ग के मुकाबले कुछ भी नहीं है भाई। वो जगह ही अलग है, वहाँ के नज़ारे भी बिल्कुल अलग हैं। लेकिन ट्रैम चल रही है आज, मैंने देखा यहाँ पे अभी एक ट्रैम गई है, तो भाई ट्रैम पे ट्राई करेंगे कल को। तो यार मैंने ना फ़्लाइट बुक करी थी, S7 वाली फ़्लाइट है इनकी, कोई रशियन फ़्लाइट, वो मैंने बुक करी थी। वो मेरे को पड़ी थी INR में 4,750 रुपये की, मुरमांग से इधर मॉस्को की, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे बचे नहीं थे वैसे भी यहाँ सर्वाइव करने के लिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो इंडियन कार्ड चल जाएगा, और वो ज़्यादा बेटर था वैसे भी, क्योंकि जो ट्रेन की टिकट थी वो थी 9,500 रुपये की, और मेरे को जो टिकट पड़ी है फ़्लाइट की भाई वो बिल्कुल आधे रेट की थी। तो भाई बेटर यही है ना कि उससे आ जाओ, खाम खा इतना पैसा क्यों देना। और लेकिन भाई एक्सपीरियंस बहुत बेकार था, फ़्लाइट इतनी बेकार थी। एक तो इतना वो ATR था शायद, वो जो एयरक्राफ्ट था इतना छोटा सा था, और उसमें सीटें ही सीटें भर रखी है, लेग रूम नहीं, मेरे तो घुटने में लग गए उल्टा उसमें, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं थी। एक बंदे ने एकदम सीट पीछे करी, भाई मेरे तो घुटने में और लग गई चोट। फिर वहाँ पे खाने मील इंक्लूडेड थी, मील के नाम पे उन्होंने एक मेरे को चॉकलेट दी है खाली, छोटी सी स्ट्रॉबेरी बार, जो कि बहुत वाहियात थी भाई। बेकार है बिल्कुल एयरलाइन, वैसे तो इससे अच्छा ट्रेन से आ जाता, लेकिन वही टाइम लगता। और भाई पायलट भी बिल्कुल बेकार था, पता नहीं कैसा फ्लाइट उड़ा रहा था वो, अजीबोगरीब तरीके से टर्बुलेंस इतना आ रहा है, इतना तो नॉर्मली आता भी नहीं है। मैं एयर अरेबिया से आया था, उसमें मेरे को पता भी नहीं लगा जहाज कब हवा में चला गया और कब उतर गया, मतलब इतना स्किल्ड था। पर एक यहाँ पे ये है बिल्कुल वही हादसा भाई, ये S7 बेकार एयरलाइन है, या तो यह हो सकता है कि भाई अपने पल्ले बेकार पायलट पड़ गया। तो पायलट भी चलो ठीक है, हो सकता है बेकार पड़ गया होगा, लेकिन भाई मेन बात है कि तो एयरक्राफ्ट भी बेकार था, उसमें लेग रूम नहीं था, सीट में कुशन्स नहीं थे, बिल्कुल फ्लैट थी, अजीब ऐसा लग रखा था कि भाई लकड़े पे बैठ रखा है बंदा, बिल्कुल बेकार चीज़ है। चलो कोई नहीं, अब हो गया तो हो गया भाई, अपन पहुंच गए, अभी हॉस्टल जाते हैं, फिर दिखाते हैं क्या हिसाब है वहाँ पर। और यार यहाँ पर ना टेम्परेचर हो रहा है इस वक्त कितना, 18 डिग्री भाई, मैं आया हूँ -3 डिग्री से, मेरे को गर्मी लग रही है इस वक्त यहाँ पे, मतलब वही आदत होने लगी थी ना वहाँ पे ठंड में रहने की, अब भाई यहाँ पे मेरे को गर्मी लग रही है इस वक्त, बताओ। वही है इंसान भाई, जहाँ पे रहने लगता है ना, ह्यूमन बॉडी होती है हाइब्रिड होती है, वो यूज़ टू होने लगती है हर चीज़ के। अब गर्मी लग रही है यहाँ पे, ये खाम का खरीदी मैंने वहाँ पे, ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, ज़्यादा कुछ था भी नहीं वहाँ पे दिखाने को, बेकार में खरीदी, लेकिन क्या करें, अगर नहीं खरीदता तो भैया ठंड में मर जाता मैं तो वहाँ। चलो कोई बात नहीं, हॉस्टल आने वाला हूँ। ये एक यूनिक सा हॉस्टल मैंने बुक किया है, हॉस्टल क्या है इसके वो वेबसाइट पे तो ये होटल नाम से था डिनोट, तो चलो वो मेरे को लग रहा है हॉस्टल ही है, लेकिन ये दिखाता हूँ पहुँच के, पहले पहुँच ही जाऊँ मैं, पता नहीं कहाँ रह गया ये, दिख भी नहीं रहा मेरे को। चलो भाई ये पहुंच गए, ये क्यूब नाम से है, क्योंकि इनके कुछ कैप्सूल्स हैं वहाँ बना रखे, जो डॉम्स बना रखे हैं वो कैप्सूल डिज़ाइन में। चलो अंदर चल के देखते हैं कैसा रहता है साहब। तो यार यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम हो गई है कि ये कह रहे हैं इनका जो सिस्टम है वो ख़राब हो गया है, कुछ सिस्टम फेलियर हो गया है इनके यहाँ पे, तो ये फॉरनर्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी रहने के लिए। अगर लोकल सिटीज़न होते तो भाई रख लेते, लेकिन फॉरेनर हो तो भाई नहीं कर सकते अलाउ। भाई ये क्या अलग है भाई, ऐसा होता है। और वो बोलती है रिसेप्शन वाली कि भाई मैंने आपको वो किया था, मैसेज भी किया है। मैंने कहा भाई मैसेज तो मेरे पास कोई भी नहीं आया, वो कह रही कि नहीं मैंने किया। मैंने कहा भाई मैसेज किया होता तो मेरे को दिखता ना, नेट तो मेरा चल रहा है, ना ईमेल आया ना मैसेज आया। अब भाई एक दूसरा बुक किया है, अब देखो वहाँ पे भी कोई भसड़ ना हो कहीं, नहीं तो खाम का रात कहाँ काटूंगा भाई सड़कों पे, या तो सड़कों पे बैठना तक अलाउड नहीं है, रात काटना तो बहुत दूर की बात है, फिर देखते हैं क्या होता है। भाई मैप भी नहीं चल रहा है, तमीज़ में बार बार घूमे जा रहे हैं अनसंट तरीके से। अभी एक भाई से पूछा है, वो कह तो रहे हैं कि सीधा जाओ आगे, 33 बत्ती से लेफ्ट ले लेना, राइट साइड में होगा कहीं पर। देखो यार मैं जा तो रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पर भी पहुँचूँ
उसके बाद में दिखा दे भाई 2-4 किलोमीटर है, अभी भी भाई 2 किलोमीटर दिखा रहा है, कम तो हो नहीं रहा उतना ही है। पर देखो यार, कह रहे मैप बहुत बेकार है, पर जैसे ही इंटरनेट जाता है पूरा उड़ जाता है। गूगल मैप की तरह नहीं है कि भाई ये लोड हो जाए, नेट भले ही चले जाए तो उतना लोड होके रखे, बिल्कुल भी नहीं है यार। गूगल मैप चला लो यहाँ पे, क्या दिक्कत हो जाएगी, कम से कम इससे तो बेटर ही काम करता है वो यार। देखो जा तो रहा हूँ मैं, फिर से भटक ना जाऊँ कहीं। तो भाई क्या हाल है, हो बढ़िया ही होंगे भाई। कल मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी और हॉस्टल मिल नहीं रहा था, मैं अब काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, बहुत दिक्कत हुई। तो यहाँ पे 2 भाई मिल गए थे चलते हुए, तो भाई उन्होंने बहुत मदद करी मेरी। वो इसमें से एक बंदा अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, मतलब 24 साल का ही था वो लड़का, बढ़िया था यार वो। कभी वहाँ रिवर कैनाल के पास तक भी गया मेरे, फिर क्योंकि उसका भी मैप ढंग से काम नहीं कर रहा था, फिर उसने बार बार ये हॉस्टल वालों को कॉल किया, पता नहीं इन्होंने भी बताया ढंग से नहीं बताया वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन भाई काफ़ी ढूंढने के बाद उसने मदद कर दी, उसको मिल गया। वो बकायदा मेरे को बंदा भाई छोड़ने भी आया था यहाँ तक, तो मैं फाइनली पहुँच गया। अभी हॉस्टल दिखाऊँगा आपको, फिर देखना कि रात इतना थक गया था भाई मैं तो, आके सो गया था, तो अभी दिखाऊँगा आपको। अभी मैं ज़रा कुछ ख़रीद लूँ यहाँ से, शैम्पू वगैरह, क्योंकि एयरलाइन ने फेंक दिया। अच्छा यहाँ पे ये भी है कि रशियन एयरलाइन में क्या होता है कि सिर्फ 100 ml अलाउ होता है, और मेरा जो परफ्यूम था वो 140 ml का था, और जो मेरा वो था शावर जेल था वो 240 ml का था। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ भाई रशियन एयरलाइन में कुछ भी ले जाना है आपको तो 100 ml से ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ फेंक देंगे। बताओ मैं इंडिया से तो लेकर आ गए यहाँ तक, और भाई यहाँ से नहीं ले जा सकता मैं इनकी जो डोमेस्टिक एयरलाइन है, बताओ इतनी बस अड्डा भाई बेकार है एयरलाइन इनकी। इससे अच्छा तो भाई कोई और कर लो, एशियन एयरलाइन कर लो या जो भी कर लो भाई, पर ये इनकी ना करो। तो अब मैं भाई दोबारा ख़रीदने जा रहा हूँ, आज शॉप नहीं मिल रही मेरे को, देखो किधर है। तो भाई सामान ले लिया है, 4 मैगी के पैकेट लिए, 1 क्रोंसा का पैकेट लिया, और 1 शावर जेल लिया, और 1 डिओड्रेंट लिया ओल्ड स्पाइस का। और भाई ये इसका बिल बना है 955, हाँ 955 रूबल का। अरे भाई ऑलमोस्ट 1000 रुपये चले गए इतने से सामान में, भाई इंडिया में होता मैं 1000 रुपये में पता नहीं कितना सामान ले लेता। और भाई क्या कर सकते हैं, चलो कोई नहीं, लेना तो था भाई, यहाँ पे जीना है तो लेना भी पड़ेगा सामान। चलो आपको दिखाता हूँ मैं हॉस्टल कैसा है। तो ये है भैया इनके एंट्रेंस, यहाँ से यहाँ पे इनका रिसेप्शन है कुछ ऐसा ही है, और इधर वॉशरूम है और वॉशिंग मशीन है। मेरे कपड़े धुल रहे हैं, 150 रूबल चार्ज कर रहे हैं, कितने भी कपड़े दे दो एक बार में 150 लगेगा। और ऐसे वॉशरूम है 3, वो वाला फीमेल का है, ये मेल्स का है। और इधर अपना रूम है, ये भी बाद में दिखाता हूँ मैं। ये किचन है इनकी, छोटी सी है बट सही है, सारा सामान है, फ्रिज माइक्रोवेव चूल्हा भी है। और भाई ये अपना ब्रेकफास्ट, नूडल बन रही है, पानी डाल दिया है, चाय और ये क्रोसों, जब से आए भाई इन्हीं पे जिंदा हूँ। और इधर आगे वहाँ पे कपड़े सुखा सकते हैं, वो स्टैंड है। और यहाँ पे है शार के लिए, ऐसे ड्रायर वगैरह दे रखा है, ऐसे क्यूब्स बने हुए हैं ये तीनों एक जैसे हैं। बस इतना सा है ये हॉस्टल, बाकी रूम अभी दिखाता हूँ। ओपन बेड्स हैं और ये इधर कपड़े सुखा सकते हैं बस। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके, आई होप बढ़िया होंगे भाई। तो बस मैं भी बढ़िया ही हूँ। तो भाई काउच सर्फिंग कह रहा हूँ, मीटअप एक ऐप है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो ये जो काउच सर्फिंग मीटअप होती है, इसमें क्या होता है कि लोकल इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उसमें आप लोग पार्ट ले सकते हो। ये इंडिया में भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के बाहर होते हैं, वो अलग बात है, इंडिया के बाहर कुछ ज़्यादा ही होते हैं और इंडिया में थोड़े कम होते हैं।
तो भाई आप लोग भी ना इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और मतलब ये सब कर सकते हैं। मेरे को किसी के घर पे रहना तो पसंद नहीं है, क्योंकि भाई किसी के घर पे क्या रहना, उसके हिसाब से थोड़ा रहना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशन होती है। और भाई अपन लोग ऐसे ही हैं, थोड़े केयरलेस होते हैं। अब किसी के घर पे रहो तो भाई उसके हिसाब से रहना पड़ता है। तो और भाई सबसे अच्छा रहता है कि भाई अपने पैरों पे रहो आप, कि भाई मतलब अपने पॉकेट के हिसाब से रहो, अपने पैरों पे रहो। क्योंकि किसी के घर पे रहोगे तो उनके हिसाब से रहोगे, वो जैसे बोलेंगे थोड़ा सा वैसा करना पड़ता है, थोड़ी सी एक मतलब झेप होती है ना, एक वो झेप फील होती है। तो मेरे को वो चीज़ें पसंद नहीं है। तो भाई मैं तो ये सीधा कम बजट में रह लो, लेकिन भाई खुद रह लो कि अपना पैसा, क्योंकि तुम खुद ही दे रहे हो, तो उस चीज़ में बिलीव रखता हूँ। तो इसीलिए पर लेकिन इवेंट्स वगैरह में जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या करना है, खाना है, पीना है, कुछ लोगों से बात करनी है और वापस आ जाना है। तो भाई मैंने वहाँ तो ट्राई किया था सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक ही था, इतना कुछ खास नहीं था। भाई मॉस्को वाला भी ट्राई करते हैं। इनका वैसे मेरे पे खुद ही इनवाइट आया था, मैंने इनका किया भी नहीं था, तो इनवाइट आया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब जा रहा हूँ यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर जिम एंड जैक्स करके है, कोई क्लब है, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं अभी। तो उनका बस यही है क्राइटेरिया कि भाई कुछ खरीद लो खाने पीने का, और बस उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हो, और बाकी और कुछ नहीं। तो बस भाई निकल पड़े हैं रास्ते में। मैप एज यूजुअल काम नहीं कर रहा, फिर से राम भरोसे चल रहा हूँ इस वक्त। किसी से पूछ लूँगा, कोई रास्ते में दिख जाएगा, अभी तक तो कोई दिखा नहीं कि भाई किधर जाना है। भाई मैप कल से ही नहीं चल रहा है, बहुत दिमाग ख़राब कर रखा भाई इस मैप ने, और गूगल मैप यहाँ चलता नहीं। चलो भाई क्या करें, भुगतना है भुगत लेंगे, थोड़ा सा कार्डियो ही हो जाएगा। चलो फिर मैं बाकी पहुँच के आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या हिसाब है। भाई मैप ने तो अपना काम कर ही दिया, मतलब वो ढंग से काम करेगा नहीं। एक भाई मिले थे, उनसे पूछा था मैंने कि कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला ये भाई जो मेरे पीछे ब्रिज है ना, इस वो कह रहे इस ब्रिज को फॉलो करते हुए जाओ, तो ये जो कैनाल है, कैनाल को क्रॉस करोगे तो ये इसके ऊपर ना पटरियाँ दिखेंगी आपको, कि वो ट्रैम्स वगैरह की। तो कह रहे उस पटरियों को फॉलो करते हुए चले जाना, आपकी डेस्टिनेशन आ जाएगी। कह रहे मैप कर जाता है ऐसी हरकतें ना यहाँ पे कई जगह पे। बाकी हाँ यहाँ पे क्या है ना, मॉस्को में एक चीज़ अच्छी मिल जाएगी कि ज़्यादातर लोग ना हल्की फुल्की इंग्लिश बोल लेते हैं, तो इतनी परेशानी नहीं आएगी। और जैसे कि भाई मोरमांस वगैरह में चल जाऊँ वहाँ तो भाई बंदे बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत लोग कम से बोल लेते हैं और फिर उतने में मदद हो जाती है, तो वही ज़्यादा सही चीज़ है। अपने को क्या, हम तो भाई काम चला लेंगे, कोई कच्चा पक्का भी बोल लेगा ना, काम चल जाएगा उसमें भी। चलो बाकी मैं पहुँचता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो भाइयों आ गए हैं जिम एंड जैक करके, जैसे देख सकते हो ऊपर जैसे मैंने बताया था। अंदर जाके देखते हैं भाई क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। देख सकते हो आप इस वीडियो में, तो ऐसा कुछ होता है, आप भी इन सब क्लब का पार्ट हो सकते हो। और ये सब ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका मतलब कुछ पैसा वैसा नहीं लेते लोग। बस यही है कि आप आ जाओ यहाँ पे और एक आधी कोई ड्रिंक ले लो या कुछ खाने का आइटम ले लो, बस उसके बाद आप जब तक चाहो, जब तक ये क्लब बंद नहीं होता तब तक आप इन सब एक्टिविटी का पार्ट हो सकते हो। और भाई इनमें से तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कुछ भी नहीं करी था, लेकिन ये तब भी इस चीज़ के पार्ट है, मतलब आप आ जाओ एक्टिविटी में एनरोल हो जाओ, उसके बाद में बाढ़ में जाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी। तो भाई मतलब कुछ भी खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ले सकते हो। और रेट भी ठीक है भाई इनके, 200 रूबल की, यानी वही 200 रुपये की भाई एक बियर की वो है पाइंट, वो ले लो, या फिर भाई कुछ खाने का मंगा लो 150-200 रुपये का, और उसमें भाई आप लोग इनके क्लब का पार्ट हो सकते हो।
और इन्होंने मेरे को कल इनवाइट किया है इनके स्टाफ ने, क्योंकि इनका एक बंदा ईरानी था, तो भाई ईरान में वैसे भी भाई इंडियंस की अच्छी खासी रिस्पेक्ट है, तो उसने मेरे को इनवाइट किया, और भी एक लड़की थी जो यहाँ पे काम करती और रशियन थी, उसने भी मेरे को इनवाइट किया, क्योंकि भाई इंडियंस तो अपन भाई ऐसे हैं ना कि जहाँ भी जाते हैं अलग ही दिखते हैं, ऊपर से भाई रिस्पेक्ट है भाई इंडियंस की, ऐसी थोड़ी है हल्की फुल्की बातचीत थोड़ी है, कैडी बातचीत है भाई इंडियंस की। तो उसने बोला कि भाई आप यहाँ पे नए हो तो आप ज़रूर आना कल, यहाँ पे इंग्लिश वो है क्या कहते हैं कोई कॉन्सर्ट है और स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह है, आप चाहो आप भी कॉमेडी कर सकते हो, मतलब जो भी एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना है आप भी वो सब कर सकते हो, तो आप आ जाना। तो भाई अब कल को आऊँगा मैं भी यहाँ पे, अब इतने प्यार से बुला रहे हैं तो भाई आना तो पड़ेगा, और बाकी कल को दिखाता हूँ मैं आपको कि भाई क्या होता है यहाँ पे, कैसा था नज़ारा, आज का तो कुछ ऐसा था देख सकते हो। तो इन सब ये सब चीज़ों का बढ़िया है यार कि मतलब अगर इंडिया से बाहर जाओ तो ना ये सब चीज़ें बड़ी देखने को मिलती हैं, ऐसा इंडिया में भी होता है लेकिन यार इतना सब है नहीं वहाँ पे, मतलब इतनी इन सब चीज़ों को ना इन्जॉय नहीं करते वो लोग जिस हिसाब से कि भाई यहाँ पे करते हैं। अब चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, इंडिया के भाई अलग कल्चर है, अलग चीज़ें हैं जो वो लोग करते हैं, ठीक है मैं ब्लेम नहीं करता भाई, मैं इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ में कि वहाँ के जो भी सर्टेन क्राइटेरियाज हैं लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सी चीज़ें अच्छी नहीं भी हैं इसीलिए, लेकिन भाई हम सारी गुड चीज़ों को ही लेके चलेंगे, अच्छी चीज़ों को लेके चलेंगे, अपने को बुरी चीज़ें नहीं लेके चलनी है। बस अब अपने भाई हॉस्टल की ओर बढ़ रहे हैं और जा रहे हैं भाई अपनी प्लेस में, कोई दिक्कत नहीं, हो गया अपना यहाँ का आज का दिन, पैसा उड़ा लिया 500-600 रुपये उड़ा लिए यहाँ पे भाई, 500-600 रुपये उड़ा लिए, अब भाई चलते हैं फटाक से, बाकी मैं आपको अभी अब अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो बस यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी आप लोग भी आ सकते हो सब चीज़ें देख सकते हो, जैसे ही 100K हो जाएंगे भाई एक लकी विनर को ट्रिप गिव अवे करी जाएगी। तो बस फिर क्या देर किस बात की, कर दो यार फटाफट, फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलो यार ध्यान रखो, गुड बाय एंड टेक केयर।